Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. Pakistan ke nazariye se dekhen sir, the biggest, agar aap kehte hain ki, you know, who has carried forward the most positive, ya jo sabse zyada momentum leke gaya hai us final four mein, would you say Pakistan, ya everything jo abhi super turns mein hua hai, wo push aside, ab ek naya khel shuru hone wala hai? नहीं देखिए, मोमेंटम तो ज़रूर लेके गया. अगर पाकिस्तान की आप एक एक चीज़ को टिक मार्क करें, ओपनिंग स्लॉट उनका टिक मार्क है, उनका मिडल ऑर्डर टिक मार्क है, लोअर मिडल ऑर्डर टिक मार्क है, फास्ट बॉलिंग टिक मार्क है, स्पिनर टिक मार्क है, तो जो जो चीज़ें चाहिए होती है जीतने के लिए वो सब वो टिक मार्क करते चले हैं. अब ये कि मोमेंटम को कैरी ऑन करते हैं ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, तो मज़ा आएगा क्योंकि वो एक टफ टीम मिलेगी उन्हें, चैलेंज जो मिलेगा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है, उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है, तो वहां मुकाबला देखने में मजा आएगा पाकिस्तान का. पर जैसे पाकिस्तान अभी खेल रही है, अगर ऐसे खेली तो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, नो डाउट. पर अजय भाई, मुकाबला वो जबरदस्त होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगी उनको. उनको कहीं भी थोड़े से भी शोल्डर्स ड्रूप होते हुए देखे, वो चढ़ेंगे उन पे पूरा का पूरा. बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया एक टफ साइड है, वो छोड़ती नहीं है. एक यू नो, कभी भी आईसीसी ट्रॉफी में तो ज्यादातर यू नो वो कुछ ना कुछ कहीं से भी निकाल के ले जाते हैं मैच. जितने भी याद करता हूँ ना, जीते हैं. ऐसा नहीं है कि क्लियर फेवरेट्स होके जीते थे. आखिरी में 2002-03 के बाद तो एक अलग बात है, लेकिन शुरू शुरू में ना हमेशा लड़ते लड़ते वो निकल जाया करते थे. तो वो आपको हार्डवर्क तो करवाएगी, लेकिन पाकिस्तान की जो स्किल, अभी जो वीरू ने बात की, उसमें कोई डाउट नहीं है. सब कुछ है उनके पास. ये ना वो हम कहते हैं ना कि कई टीमों को जाके आपको हराना पड़ता है, तो वो आप इनके साथ शायद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अपना अच्छा खेले. लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो टीम है, वो अपना काम बराबर करती है. आप अगर 19-20 थोड़ा नीचे हुए ना, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ती. सर, इसका सबप्लॉट आप देखो, विश्व क्रिकेट में एक टाइम पे जो मतलब कहर मचाने वाली ओपनिंग साझेदारी थी, मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर. एक तरफ मैथ्यू हेडन पाकिस्तान के बैटिंग कोच, दूसरे तरफ वीरू भाई जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कोच. तो कहीं ना कहीं उन दोनों की भी भिड़त होगी आमने सामने. और सर, हेडन के आने से वीरू भाई, आई नो टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, तो इम्पैक्ट कितना होता है, पर आपने कुछ देखा है कि हेडन जिस तरीके के बल्लेबाज थे, उनका कुछ नॉलेज या कुछ इम्पैक्ट पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर आया? देखिए, इसका जवाब शायद पाकिस्तानी प्लेयर ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि समय वो उनके साथ बिता रहे हैं. बट ये ज़रूर एक जो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट हेडन खुद खेला करते थे, वो ज़रूर लाए हैं पाकिस्तान के खेमे में. और कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड किया होगा प्लेयरों में उन्होंने, जिन जिन बल्लेबाजों के साथ वो बातें करते होंगे, उनको ज़रूर अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किए होंगे. उनका नो डाउट फ़ायदा होता है. हमारे साथ भी जब इतने कोचेज़ आए, तो उन कोचेज़ की फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं, तो वो पाकिस्तान को भी मिल रहे हैं. लेकिन ये कहना कि दो कोचेज़ के बीच में भिड़ंत है, वो शायद टकराव है, वो हम लोग ही कह सकते हैं. वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, वो दो टीमों के बीच ही है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच. नो डाउट हेडन और लैंगर बहुत अच्छे दोस्त रहे, बहुत अच्छे पार्टनर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी साझेदारियाँ की उन्होंने. लेकिन कुछ ना कुछ तो हेडन भी जानते होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया कैसे प्रिपेयर करती है, कहाँ पर उनको हराया जा सकता है, कहाँ पर वो डरते हैं, कहाँ पर वो चूक करते हैं. तो वो पॉइंट ज़रूर हेडन पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे कि भाई आप कैसे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हो. जैसे जब गैरी कस्टन कोच बनकर आए थे, तो वो हमें बताते थे कि भाई साउथ अफ्रीका अगेंस्ट क्या कर सकते हैं और उन्हें कैसे हराया जा सकता है. हालांकि 2011 वर्ल्ड कप में हम हरा नहीं पाए उन्हें, हार गए उनसे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जो बताया वो सब ग्राउंड पर सही हुआ. तो वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं मैथ्यू हेडन पाकिस्तान टीम के साथ भी, क्या किया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ.